लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव करवाने का ऐलान आखिरकार कर दिया। पहले फेज का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल से शुरू होगा और आखिरी फेज का चुनाव 1 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। लंबे रहने वाले हैं ये चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ होंगे ये चुनाव देश की चमक बढ़ाने का काम करेंगे। फेक न्यूज पर खास तौर पर नजर रहेगी और चुनावों में हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracy. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे थे तेजी से भरे जा रहे हैं। तैयारियों में कोई कमी नहीं है और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव है, इसलिए लोगों से हर हाल में वोट डालने की गुजारिश मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। इस बार 96.8 करोड़ मतदाता हैं, 49.7 करोड़ पुरुष, 47 करोड़ महिलाएं, 12 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं, 1.82 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे, 19.74 करोड़ 18 से 29 साल के हैं, 82 लाख वोटरों की उम्र 85 साल से ज्यादा है, 2.18 लाख वोटर 100 साल से ज्यादा के हैं। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्संस विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, 1.5 करोड़ कर्मचारी काम पर लगेंगे और 55 लाख ईवीएम इस्तेमाल होंगी। मुख्य चुनाव आयोग कह रहे हैं कि जो चुनाव होगा वो देश की चमक बढ़ाने वाला होगा, इसके लिए जितनी कोशिश हो सकती है चुनाव आयोग कर रहा है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को पूरी जानकारी अखबारों में छपवानी होगी, नेताओं को जुबान पर लगाम लगानी होगी वरना कार्रवाई होगी, फेक न्यूज फैलाने वाले बच नहीं सकेंगे, कैश के लेन देन पर हर तरफ से नजर होगी, नजर तो हवाई अड्डों हवाई पट्टियों पर भी रहेगी, सरहदी इलाकों में ड्रोन से निगरानी होगी, बच्चों को चुनावों के काम में नहीं लगाया जा सकेगा। लेकिन चुनाव आयोग को इस बात का पूरा एहसास है कि इतना बड़ा चुनाव करवाना और फिर किसी न किसी बात को लेकर राजनीतिक दलों के निशाने से बच पाना आसान काम नहीं है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो,